बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत के अंदर रखे। तो यहाँ पर आप लोगों को केमिस्ट्री के जो मैं एमसीक्यूज बताने लगा हूँ, आप लोगों ने इसी वीडियो से उनको याद कर लेना है और इंशाल्लाह कल के पेपर के अंदर यही एमसीक्यूज आने हैं। सबसे पहला है व्हेन अ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट, तो रेट और फॉरवर्ड और रिवर्स का रेट बराबर होता है। मदर इज आई रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखें, अपने केसी की वैल्यू जैसे के लिए निकाल के लिखनी है। ये प्रोडक्ट ऊपर आएगा और जो दूसरा है वो रिएक्टेंट्स वो नीचे आएंगे। ये इसका आंसर है। सी ओ एच के 0.02 मोलर सोल्यूशन की पी ओ एच आपने मालूम करने की होती है 1.397। एसिट एल्डिहाइड का फार्मूला है ये वाला। इन हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स में से कौन सा ब्रोमीन के एक्टिव सोल्यूशन पर कोई असर नहीं रखता, सी एच फोर। मिथेन की हैलोजिनेशन से मदरजाइल में से कौन सा कंपाउंड नहीं बनता, कार्बन ब्लैक। मदरजाइल में से कौन सा ट्राइग्लिसराइड है, यह लिपिड्स। ग्लोबल वार्मिंग काजेज राइजिंग ऑफ द सी लेवल, द काज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग सीओ टू गैस। हाइट ऑफ ट्रोपोस्फीयर अबव द अर्थ सरफेस इज 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक। अ डिजीज डैट काज बोन एंड टूथ डैमेज इज फ्लोरोसिस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज टू कंसनट्रेट द ओर ऑन वेटिंग बेसिस। The approximate percentage of urea used as fertilizer is 90%। तो ये important MCQs हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अभी आपको थोड़े से और MCQs बताता हूँ, जस्ट आपने यही याद कर लेने हैं, यही कल के पेपर के अंदर आने हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का जो आइकन है उसे आपने ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। इसके अलावा जो हमारा मेन चैनल है डी एस स्टूडेंट्स वाला, जिस पे आप लोग अभी वीडियोस देख रहे हैं, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे दबाएं। देन आपने आना है यहाँ पे वीडियोस के अंदर। वीडियोस के अंदर आपको एमसीक्यूज का गैस पेपर भी मिल जाएगा और दूसरे गैस पेपर भी मिल जाएंगे। सिर्फ उन्हीं बच्चों को दिख पाएंगे जिन बच्चों ने जो सब्सक्राइब जो है वो चैनल को कर रखा होगा। तो इसके अलावा ये जो गैस पेपर्स वगैरह हैं ये मेरे इंस्टाग्राम पर भी अपलोड होते हैं, तो आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है। अबाउट के अंदर जाएँ, यहाँ पर होगा माई इंस्टाग्राम और ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी जो है वो ओपन हो जाएगी। आपने इसे आकर जो है वो फॉलो करना है और यहाँ पर इंशाल्लाह ताला आपके लिए अपलोड हो जाएंगे सारे के सारे गैस पेपर्स। सो आगे बढ़ते हैं अब। सो अगला जो पेपर है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आयोडीन का रंग होता है पर्पल। PCl3 और Cl2 से PCl बनाने के लिए रिएक्शन में केसी के यूनिट ये वाले हैं, ठीक है, मोल पर और डीएम की 3+ का। HPO42 का कंजुगेट एसिड कौन सा है, ये वाला। अल्काइल रेडिकल का जनरल फार्मूला होता है CnH2N+1, ये वाला। इन हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स में से कौन सा ब्रोमीन के एक्वा सॉल्यूशन पर कोई असर नहीं रखता, CH4। अल्काइल लाइट की रिडक्शन मदरजाइल में से किसकी मौजूदगी में होती है, ZnHCl में। मदरजाइल में से कौन सा डाइसैकेराइड है, सक्रोस। जमीन की सतह के बिल्कुल ऊपर कौन सा स्फीयर है, ट्रोपोस। कौन से गैस जमीन की सतह को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से महफूज रखती है, O3, ओजोन। मदरजाइल में से कौन सी बीमारी जिगर की सोजस का सबब बनती है, हेपेटाइटिस। कंसंट्रेशन है सेपरेटिंग टेक्निक। मेटल मिक्सचर होता है Cu2S और FeS का। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला जो आपके लिए है पेपर वो भी आपको मैं रीड करवा देता हूँ। लॉ ऑफ मास एक्शन कब पेश किया गया, 1879 में। केसी की वैल्यू के अनुसार होता है टेम्परेचर पर 0.02 CaOH के सोल्यूशन की POH क्या है, 1.397। शनाख्त करें मदरजाइल कंपाउंड में से कौन सा कीटोन है, ये वाला। अल्कीन्स को अल्कोहल से किस प्रोसेस के तहत तैयार किया जाता है, डिहाइड्रेशन। और इसी तरह सातवां MCQs है, मदरजाइल में से कौन सा बेजायका होता है, स्टार्च, ठीक है। ज़मीन से खारिज होने वाले इंफ्रारेड रेडिएशन किससे जज़ब होते हैं, CO2 और H2O से। ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र की सतह में इजाफा हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह कौन सी गैस है, CO2 गैस। मदरजाइल में से कौन सी बीमारी डायरिया का सबब बनती है और मोहलक हो सकती है, हैजा। जब मोनिकल ब्राइन से CO2 को गुजारा जाता है तो मदरजाइल में से कौन सा साल्ट का सूप बनता है, NaHCO3। यूरिया का फार्मूला है NH2CO और NH2। सो ये MCQs हैं जो कि इंशाल्लाह कल पेपर के अंदर आने हैं। सो और 2-3 पेपर हैं और मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोगों ने साथ साथ जो इनको बच्चों याद कर लेना है, इंशाल्लाह आपकी बहुत हेल्प होगी इसे। दिए गए रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन क्या होगी, इसके लिए ये वाली होगी। H2O और I2 से 2HI बनाने के लिए रिएक्शन में केसी के यूनिट्स होंगे, 9 यूनिट्स। दिए गए कंपाउंड्स में से कौन सा लिवस बेस नहीं है, BF3। टार्टारिक एसिड किस में पाया जाता है, जी अंगूरों में। फंक्शनल ग्रुप RCOOR किन में पाया जाता है, ईस्टर्स में। एसिटिलीन पॉलीमराइज होकर बनाती है बेंजीन। कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला है CnH2O और N। किसी विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है, विटामिन ए। सतह जमीन से बिल्कुल ऊपर कौन सा स्फीयर है, ठीक है, ट्रोपोस्फीयर, ये वाला। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम।
पानी ना आने का पानी किस वजह से हल करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। सो ये एमसीक्यूज हैं जो कि इंशाल्लाह आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि आप लोग साथ साथ इनको याद कर रहे होंगे, जस्ट आप लोग वीडियो देख रहे हैं आपके एमसीक्यूज याद हो जाएंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन को सामने रखते हुए कौन सा एक्सप्रेशन रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पर जाहिर करते हैं। मैं यहाँ से पर जो है वो वीडियो को मतलब खुद नहीं बोलूँगा, अब आप लोग जो है इनको ऐसा करें खुद देखें, ठीक है, वीडियो को पॉज करें सेंटर वाला बटन दबा के और स्क्रीन पॉज करके इनको एक दफ़ा रीड कर लें, ठीक है, ये देखें रीड कर लें इनको। सो ये स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, बट यू हैव टू प्रिपेयर, लेकिन आपने याद करना है फिर ही आप लोगों को भाई कल ये पेपर के अंदर आएंगे, ये ना हो कि आप लोग बस ऐसे ही इनको देखते रहें और याद ना करें, ठीक है, याद करना बच्चों लाजमी है। सो एस्टिक एसिड इस्तेमाल होता है फ्लेवरिंग फूड, ये देखें बार बार वही एमसीक्यूज जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं सारे के सारे। सो अगर है अगर क्यू सी के सी से छोटा हो तो रिएक्शन की सिमत होगी फॉरवर्ड आगे की तरफ, के सी हमेशा बराबर होता है के एफ बटा के आर, फॉरवर्ड ऊपर आएंगे और रिवर्स जो है वो नीचे आएगा। एस्टिक एसिड इस्तेमाल होता है फ्लेवरिंग फूड के लिए, देखिए बार बार वही एमसीक्यू रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा है आप सिर्फ यही एमसीक्यू याद कर लें, इंशाल्लाह आपको यही कल पेपर के अंदर जो आ जाएंगे। कौन सा आयन वाटर हार्डनेस की वजह बनता है, Mg+2। सो टोटल आपको हर पेपर के अंदर बच्चों 12 MCQs आने हैं, ठीक है, और इंशाल्लाह अगर आपने ये कर लिया तो 12 के 12 आपके सही हो जाएंगे, अगर आपने ये पेपर जो मैंने आप लोगों को दिए हैं ना इनमें से अगर आप लोग प्रिपेयर करते हो। तो स्टूडेंट्स ये एमसीक्यू से जो मैंने आपके साथ शेयर किया, इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर जल्द जल्द आपको जो है वो जो बाकी पूरा गैस पेपर है वो भी दिख जाएगा। सो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जैसे ही मैं बाकी चीज़ें अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरी तबीयत कुछ ख़राब है इसलिए गैस पेपर जो है वो लेट अपलोड हो रहे हैं डेली ना, काफ़ी मतलब कहने के तबीयत ख़राब होने की वजह से ये प्रोसीजर हो रहा है ज़्यादा। दुआ कीजिएगा मेरे लिए, अल्लाह पाक आप सबको भी मज़ीद कामयाबियाँ दे, और अल्लाह करे आप सबके पेपर्स बहुत बहुत अच्छे हो जाएँ। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।